इस बीच में हमारे भैया से भी आए, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और झंडो तोलन के लिए हम सभी भाई सम्मान करेंगे।
स्पीच देगी एक छोटी, आप लोग सुनिए। आइए विकास, जिसे भारत के सभी धर्मों के लोग मनाते हैं, इसका किसी जात या धर्म में कोई लेना देना नहीं है। ये सब धर्मों के लोग हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसे बाबा भीम को अंबेडकर ने बनाया था। इसी दिन हम लोगों का भारत संबंध हुआ था। 26 जनवरी कांग्रेस के अधिवेशन में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता में हम आप सभी युवा भाई देश प्रेमियों से अनुरोध करते हैं कि धीरे धीरे ले प्रसादी पर्याप्त मात्रा में भैया हम एक बार अनुरोध करेंगे, बहुत धीरे धीरे थोड़ा शांति बना करके आपसे अनुरोध करेंगे, प्रसादी पर्याप्त है। दो तीन आदमी बांटे। भैया धीरे से शांति से थोड़ा शांति से प्रसादी ले, पर्याप्त मात्रा में प्रसादी है, पर्याप्त मात्रा में भैया आपको करें कि भैया थोड़ा सा शांति वक्त दे, थोड़ा सा दो तीन बाल्टी लेकर चार बाल्टी से सब अलग अलग करके दीजिए। चीन के बाद बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से ये कार्यक्रम अब हम लोगों का समाप्त हो चुका है, अब हम लोग सहरसा शिवपुरी में वहाँ झंडोत्तोलन करेंगे। भैया आप लोगों से अनुरोध है, प्रसादी पर्याप्त है, अगर ऐसे करेंगे तो प्रसादी लेकर ही जाएंगे और पूरी तन्मयता के साथ आप लोग शांतिपूर्वक तरीके से प्रसादी ले। हेलो, मैं एक एक व्यक्ति से और एक एक देशभक्त युवा साथी से आग्रह करता हूँ कि शिद्दत से प्रसादी हमारे बीच में लगे हुए हैं। मैं युवा राजद के प्रखंड उपाध्यक्ष स्वागत करते हैं। हम अनुरोध करेंगे शहीद के पूरे परिजन को मंटू भैया डेरा ले जाए और वहाँ व्यवस्था करें, यहाँ इन दोनों सबको ले। हमारे बीच में राजेश समिति साहब आए हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। संजीव जी आए हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। मंटू भैया हम आग्रह करेंगे वही डेरा पे चले सब आदमी। फौजी साहब हम अनुरोध करेंगे डेरा पे। राजा भैया आइए, राजा भैया
हम आप यहाँ के सभी गार्जियनों से अनुरोध करेंगे, प्रसादी बहुत पर्याप्त मात्रा में है, थोड़ा शांति से प्रसादी लेने वाले भाई आगे आराम से प्रसादी ले। अंजय भैया आए हुए हैं, अंजय भैया से हम अनुरोध करेंगे मंच पे आए। अंजय भैया हमारे बीच में आए हुए समाज सेवी भैया, धीरे से ले, बहुत प्रसादी है भैया, प्रसादी बहुत है। और आप देख रहे होंगे हमारे बीच में फौजी साहब सब आए हुए हैं। हम आप लोगों की बात सुन करके दिल भर गया कि आपने कहा अगर शहीद कुंदन की प्रतिमा बनाने में अगर कोई जो बेहतर हो, देशभक्ति बनाए।